बिलासपुर चुका है। और शिमला के बीच में आपको स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जो कि पाउंटा साहिब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर हिमाचल प्रदेश में ये कबड्डी का टूर्नामेंट करवाया जा रहा है। शिमला का यहाँ पर पहला अंक शिमला को बोनस करने का प्रयास किया था, कैच करने का प्रयास हुआ वहां पर, लीडिंग लेग को ना लेकर के रियर लेग पर अटैक अक्सर रहता यह है कि डिफेंडर भी अब चतुर हो चुके हैं, लीडिंग लेग पर नजर रहती है, रियर लेग पर अटैक करते हैं, लेकिन वहां भी बनवा नहीं पाए दूसरा अंक इस वक्त। बिलासपुर के लिए डू और डाई करो या मारो की स्थिति यहाँ पर आ चुकी है। आजादी के स्ट्रगल के दौरान भी पक्का स्थिति ये आ गई थी, जबकि गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, और यहाँ पर डू कर गए हैं, करके आ गए हैं, टू पॉइंट बिलासपुर के खाते और बाहर जाना सुपर रेड से भी जरा ऊपर फोर पॉइंट सुपर रेडी कहा जाएगा पॉइंट सुपर रेड प्लस एकदम पासा पलटता है कबड्डी में, यही इस गेम की खूबसूरती है। और मुझे लगता है कि एक रेड में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, यस अगर रेडर चाहिए तो एक रेड में 10 अंक ले सकता है मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अंपायर साहब यहाँ पर है, एक रेड में शायद 10 अंक भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि एक बोनस ले लें वो और उसके बाद सातों खिलाड़ी अटैक करें और सबको छू के आ जाए तो एक बोनस, सात खिलाड़ी आउट और दो ऑल आउट के, तो मेरे ख्याल से 10 अंक अधिकतम है। हाँ मान गए राणा जी, मान गए, कोई बात नहीं, मैं दर्शकों के रेडर का खेल ले तू, और ये थर्ड रेड वहां पर कोर्ट नंबर 2 पर गर्ल्स सेक्शन में, ये आई वो डू और डाई रेड करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। अब इस खिलाड़ी को करके आना पड़ेगा, लेकिन यहां पर कुछ कर नहीं पाए इसलिए आउट होकर के बाहर आना पड़ेगा, और यहां पर कॉर्नर पर काफी डीप टच मारा था लेकिन बहुत अंदर झोंक अट्ठा की मोड में था, टैकल हुए वहां पर बिलासपुर के रेडर, और ये वहां पर बहुत अच्छी कैच, सपोर्ट आया सेंटर लाइन के पास और 19 नंबर क्रिकेट के खिलाड़ी को आउट होना पड़ेगा। 2-1 का स्कोर, मंडी ने खाता खोला अपना, डिफेंस ने पहला अंक लिया है, ऑफिशियल टाइम आउट हैज बीन कॉल्ड एट कोर्ट नंबर 2, क्योंकि वहां पर थोड़ा जो टेप है और टेप भी वो बोनस लाइन का जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है, ग्राउंड में टेप ले जाए कौन से वाला, ब्लैक काले वाला दोनों ही लेके जाए, हो सकता है कि किसी और टेप की जरूरत हो। और आपको मैं बता दूं आज का ये जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है पूरे देश में, 75वां वर्ष आजादी का हम मना रहे हैं, और कबड्डी की आज यहाँ पर हमारे चैंपियनशिप का क्लोजिंग, फर्स्ट कॉल फॉर द सेकंड सेमीफाइनल इन गर्ल्स सेक्शन सिरमौर रेड वर्सेस पूना, ये दोनों टीमें तैयार हैं ये सेकंड सेमीफाइनल गर्ल्स सेक्शन का, जबकि पहला सेमीफाइनल आपके सामने कोर्ट नंबर 1 में शुरू हो चुका है, और दूसरा सेमीफाइनल सिरमौर रेड वर्सेस ऊना, ये दोनों टीमें तैयार हैं। शिमला बिलासपुर का मैच चल रहा है, ऊना वहां पर सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है, तो लगता है कि सोलन और बीबीएन का मैच भी उसके साथ दूसरे कोर्ट पर करवाया जाए, बाकी जैसा आप लोगों को उचित लगे। थैंक यू व्यास सिंह जी,
थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सेमीफाइनल बॉयज के लिए थोड़ा सा ब्रेक की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों टीमें इमीडिएट ऊपर खेल के आई हैं, उनको 15-20 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा। तो इन बिटवीन हम इसीलिए जो है गर्ल्स सेक्शन का सेमीफाइनल करवाएंगे, एक कोर्ट खाली रहेगा। Yes. Very good. वो चार नंबर है। टैकल टू पॉइंट बिलासपुर के खाते में और सिक्स नंबर बिलासपुर की ओर से रेड पे मार देना। तूने खुला खेलना था पर बीच में तू नजदीक नहीं है ना। कोर्ट नंबर दो पर स्कोर 5-1 सोलन के पक्ष में, सोलन के टीम। बहुत ही बेहतरीन टीम है, देख लीजिए क्विकनेस, देख लीजिए खिलाड़ी का। रेडर कितनी मुस्तैद है, लंबे कद के खिलाड़ी है, कितनी जल्दी एक्शन में आई और परस्यूट करके इससे पहले कि कोई संभल पाती। बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ पर कोर्ट नंबर एक का स्कोर अभी अवेटेड है। निसंदेह वहां पर शिमला लीड कर रहा था और शायद ये लीड अभी भी बरकरार हो। डेड मारना चाहिए, जब मारेगा अगर मोहन छिंटा जी यहाँ हो। मोहन छिंटा जी अब आगे की कमेंट्री के लिए, लाइव प्रसारण लाइव कमेंट्री के लिए आपको आमंत्रित करना चाहूँगा। बीच बीच में आपके हमारे दर्शकों को स्कोर कबड्डी की गेम के बारे में अवगत कराते रहें और टेबल नंबर एक से भी स्कोर लेकर के दर्शकों को अवगत कराते रहें। तो मैं अगले कमेंट्री पर अपने सहयोगी यंग और बहुत ही बढ़िया वक्ता मोहन छिंटा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सभी दर्शकों को, देश व प्रदेश वासियों को, बिलासपुर और शिमला बॉयज सेक्शन में कोर्ट नंबर 1 में मैच चल रहा है। सभी दर्शकों को बता दें कि आप सब लोग जो है यदि आप लाइव मैच देखना चाहते हैं तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए या आप पौंटा साहिब के पुलिस 4 दिवसीय प्रतियोगिता का समापन भी है और आज ये सब जूनियर कैटेगरी का वास्तव में समापन है क्योंकि जो जूनियर कैटेगरी के थे उनका समापन पहले हो चुका है। अमर देना यार टाइम आउट देना भाई, सब्स्टिट्यूशन है 11-6 अगर मैं सही हूं तो। 7 नंबर है और 1 नंबर है बिकी भाई, 11-6 ही है ना कोर्ट नंबर 2 में जी। 1 नंबर और थैंक यू सो मच। सोलन के पक्ष में है ये स्कोर और वहां पर बहुत बढ़िया डिफेंस, हालांकि थोड़ा सा एडवांस था। बहुत बढ़िया यहां पर डबल थाई होल्ड शिमला के खिलाड़ी के द्वारा निकलने की, क्योंकि जब आपके टांगों के बीच घुटनों के आसपास जब पकड़ बनती है तो वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है और खिलाड़ी स्वयं आउट हो गए डिफेंडर को पार किए, सॉरी रेडर को पार किए बिना। ये चीजें अनुभव के साथ आती है, जैसे जैसे कबड्डी आप खेलेंगे तो आप ये चीजें सीखेंगे कि मैच को कैसे बनाना है। कभी कभी हम एक बहुत अच्छी लीड भी जो है पल भर में गंवा देते हैं, इसका रीजन यही होता है कि अनुभव नहीं है हमारे पास मैच को कैसे स्लो करना है।
कब आपको अटैक करने की जरूरत है। वहां पर अटैक आया और अटैक बढ़िया आया, लगभग मिड लाइन से वापस खींच दिया खिलाड़ी को, अन्यथा यहां पर सुपर रेड हो सकती थी शिमला की तरफ से। और ये वहां पर कुछ सिरमौर और सोलन के मध्य इसी तरीके से हमने एक नजारा देखा था। रेडर विपक्षी कोर्ट में उस स्थिति में ये माना जाता है कि आप वॉक लाइन क्रॉस के बिना वापस आए हैं, जिसका मतलब होता है कि वॉक लाइन जो है मैंडेटरी होता है रेडर के लिए। अगर आप वॉक लाइन क्रॉस नहीं करोगे तो आप आउट माने जाते हैं। जैसा आपने कल फाइव रेड्स में देखा होगा, वॉक लाइन वहां पर जो है वॉनस लाइन काउंट की जाती है। छोटे से कद के खिलाड़ी बिलासपुर के, इनको अंक लेने की दरकार इस समय, नहीं तो इनके ऊपर ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ। तीन खिलाड़ी बचे हैं बिलासपुर के कोर्ट में। एक बार पुनः हमारे मीडिया, हमारे इस टूर्नामेंट को लाइव प्रसारित किया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। 11 नंबर के खिलाड़ी शिमला की तरफ से रेड करते हुए एक टच पॉइंट हासिल किया है और बिलासपुर को ऑल आउट के और करीब पहुंचाते हुए। मात्र दो खिलाड़ी है कोर्ट में, बढ़िया टच पॉइंट, वहां पर टच पॉइंट क्लेम कर रहे हैं और एक पॉइंट मिला भी। कॉर्नर क्लास को ऐसी रणनीतियां बनाई जाती है कि ऑल आउट बचाया जाए, क्योंकि अगर आपके कोर्ट में एक दो या तीन खिलाड़ी हो तो वहां सुपर टैकल होता है, लेकिन ये सुपर टैकल नहीं, ये तो ऑल आउट दे दिया है खिलाड़ी ने। बहुत शानदार स्किल्स का प्रयोग किया 7 नंबर के शिमला के खिलाड़ी ने। एक बार ऐसा लगा था कि आउटलाइन कैच हुआ था कि वहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन बहुत गजब की स्पीड इन्होंने दिखाई और ऑल आउट दे दिया। वहां पर थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, टच पॉइंट का प्रयास था और अपने आप को लोपी में जाते जाते रोका और आउट हो गए डबल थाई होल्ड के चलते। टूर्नामेंट और एकदम हॉस्पिटल के समीप है। हाँ ठीक है ठीक है, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। ओए पकड़ के पीछे खींच ना, उधर निपटना नहीं है, पीछे खींचो जो बंदा पकड़ता है। वॉलंटियर कोर्ट नंबर 2 जहां पर गर्ल्स का मुकाबला चल रहा है, कृपया आइस वहां पर पहुंचा दे शीघ्र अतिशीघ्र, जितना जल्दी संभव हो सके। शायद किसी खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी है। और वहां पर एक जगह जब आप खड़े रहते हैं तो ना तो आपके पास गति मिलती है। इस नंबर के खिलाड़ी लगातार लेफ्ट कॉर्नर पर अटैक कर रहे थे, राइट रेडर हैं। ये गति और टेक्निक का खेल है, आप जोर के साथ नहीं खेल सकते। जोर अजमाइश में तो रस्सा कस्सी चलती है, कबड्डी में तो आपको स्किल्स के साथ खेलना होता है। हाफ टाइम चेंज द कोर्ट, सब जूनियर कैटेगरी का भी फाइनल हो रहा है। रिस्पेक्टिव स्कोरर पूरन ठाकुर ने जानकारी दी है कि और जूनियर कैटेगरी में भी सोलन की ही बालिकाएं हैं जीती थी, तो उनकी सब जूनियर कैटेगरी की भी बहुत बढ़िया टीम है। यहां पर बिलासपुर के 5 नंबर के थे वो जो 4 टीमें हैं, मैं आपको बता दूं कि दोनों मैच साइमल्टेनियसली कोर्ट नंबर 1 और 2 में खेले जाएंगे और ये सेमीफाइनल है। फर्स्ट सेमीफाइनल इन बिटवीन सोलन वर्सेस बीबीएन इन कोर्ट नंबर 1, दूसरा सेमीफाइनल ऊना वर्सेस विनर ऑफ दिस मैच दैट इज इन विच इज इन कोर्ट नंबर 1 शिमला एंड बिलासपुर। ये एग्जैक्ट जो है 10:30 बजे दोनों सेमीफाइनल इकट्ठे स्टार्ट हो गए बॉयज सेक्शन के, इसलिए चारों टीमें तैयार रहें। आपको रेस्ट अवश्य दिया गया है क्योंकि अभी 10 बजे हैं, 15 मिनट के अंदर ये मैच खत्म हो जाएगा।
Thank you so much sir for important information regarding the match, semi-finals match जो भी अभी सर ने अनाउंस किए हैं. तो दोनों टीमें, दरअसल चारों टीमें, क्योंकि दोनों कोर्ट में ये मैचेज होने हैं, बिल्कुल तैयार रहे. हम इंद्र देवता के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हम पर जो थोड़ी सी रहन भावना मैच के लिए बहुत अनुकूलित, और आज ही हमने फाइनल भी करवाना है. तो जब हमारे मुख्य अतिथि मौके होगी तो उस समय मात्र फाइनल मैच ही हमारे पास रहे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए. सभी टीम कोचेज और खिलाड़ी इस बात का ध्यान रखेंगे. कोर्ट नंबर टू में सोलन डोमिनेट कर रही है, पांच नंबर की खिलाड़ी, बहुत शानदार स्किल्स है इसके पास. इस समय देखना होगा, स्ट्रगल वहां पर जारी है, लेकिन ये सुपर टेकल हो गया. दो अंक मिलेंगे मंडी को. इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है, बहुत स्किल्स है इस लड़की में. यहाँ पर 11 नंबर के खिलाड़ी बिलासपुर के मिड लाइन से वापस खींचना जा रहे थे रेडर को. कभी कभी ऐसा होता भी, हमने एक बार प्रो कबड्डी में देखा था. चल रहा है सर ने जानकारी दी, ये सेमीफाइनल मुकाबला है. अभी तो वहां पर सोलन जो है डोमिनेट कर रहा है, देखना है अंतिम जो नतीजा है वो क्या रहता है. शिमला के 9 नंबर के खिलाड़ी, लंबे गति के खिलाड़ी, और वहां पर थोड़ी पीठ दिखाई थी, लेकिन सही से पॉइंट था. हालांकि पॉइंट नहीं मिला, लेकिन प्रयास था. अरे मजे ने पीछे फायर हुआ. रेड जल्दी कोर्ट नंबर 1 में शिमला वर्सेस बिलासपुर, वहीं गर्ल्स सेक्शन में कोर्ट नंबर 2 में सोलन वर्सेस बंडी के बीच में मुकाबला चलता हो. सभी खिलाड़ी लोग ध्यान दें. एक पॉइंट था, लेकिन वहां पर दो खिलाड़ी बाहर चले गए. तो यदि आप आउटलाइन के पीछे चले जाते हैं तो कबड्डी में नियम है कि आप आउट हैं. छोटी सी कबड्डी, लेकिन बहुत अच्छी कबड्डी का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर. कोर्ट में 3 ही खिलाड़ी है, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ियों से पॉइंट निकालना मुश्किल काम जरूर है, लेकिन यदि आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास स्पीड है, तो आप पॉइंट निकाल सकते हैं. लेकिन इस वक्त खाली हाथों वापस अपने कोर्ट में शिमला की तरफ से 7 नंबर के खिलाड़ी. ऑल आउट का खतरा इस समय शिमला के ऊपर मंडरा रहा है, और वहां पर गलती हुई डिफेंस से, जहां ऑल आउट होना चाहिए था शिमला को, वहां पर उनके कोर्ट में एक और खिलाड़ी रिवाइव होकर वापस आए हैं. अब इनके कोर्ट में 4 खिलाड़ी हो गए हैं. 6 नंबर के खिलाड़ी बिलासपुर की तरफ से रेड करते हुए अच्छी रेड कर रहे हैं.